To be honest, at the moment, Hermes is the most interesting opponent to me, considering the match that we had. So, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ही लिया होगा, सो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि लेवान के लिए जो है इंटरेस्टिंग प्लेयर जो कि उन्हें चैलेंज कर सकता है और उन्हें टफ दे सकता है इन फ्यूचर, तो लेवान को क्या लगता है कि वो कौन से प्लेयर है, सो इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ लेवान सगिनाश्विली के क्या प्रिडिक्शन है जो किंग ऑफ द टेबल 11 होने वाला है उसके लिए, जहाँ पे डेनिस अर्मिस का मैच है, इवान मेदुशेंको का मैच है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स का मैच है, सो यहाँ पे लेवान को क्या लगता है कि क्या प्रिडिक्शन हो सकता है, सो आज हम इस दो टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो यहाँ पे जैसे कि हम सबको पता है एक पॉडकास्ट हुआ था जहाँ पे लेवान अर्मिस और रेंगिन टेर्जी थे, सो वहाँ पे जो है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि लेवान को क्या लगता है कि इस समय उनको जो चैलेंज कर सकता है इंटरेस्टिंग प्लेयर है वो कौन है, सो उनके मुताबिक जो है अर्मिस गैस्परिनी यहाँ पे बहुत ज्यादा फेवरेट है उनके, जो उन्हें चैलेंज कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं एज अ प्लेयर, बट अगर डेनिस सेप्लेन को अर्मिस को हरा देते हैं सो उनके लिए जो है डेनिस सेप्लेन को हो जाएंगे फेवरेट, सो वो तो अभी हमें 1 जून को मालूम पड़ ही जाएगा, बट फिलहाल के लिए एट द मोमेंट लेवान के लिए जो है अर्मिस गैस्परिनी ज्यादा जो है फेवरेट है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद जो है एंगिन टेरेसी ने उनसे ये पूछा कि क्या डेमन लेरेट अब नहीं है तुम्हारे लिए फेवरेट, सो उन्होंने ये कहा कि एट द मोमेंट जो है डेमन लेरेट इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है और मतलब उतने चैलेंजिंग उन्हें नहीं लगते हैं एज कम्पेयर टू अर्मिस गैस्परिनी। जैसे कि हम सबने देखा था कि अर्मिस गैस्परिनी जिस तरीके से जो है लेवान को होल्ड किया था, टफ दिया था, वो भी उनके प्राइम में, वैसा जो है डेवन लेरेट ने उन्हें आज तक नहीं दिया है टफ, सो इसलिए उनको जो है डेवन लेरेट इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगते हैं। बट उसके बाद जो है एंगिन ने ये भी पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि डेवन लेरेट अब तुम्हें वापस से चैलेंज करेंगे नहीं करेंगे, सो इसके ऊपर लेवान ने ये बोला कि मुझे डेवन का कुछ भरोसा नहीं है, वो वापस से आके भी मुझे चैलेंज कर सकते हैं सुपर हैवी वेट कैटेगरी में, जैसे कि हम सबको पता है कि डेवन ने मना कर दिया है कि सुपर हैवी वेट में नहीं आएंगे, बट लेवान का ये मानना है कि क्या पता हो सकता है आगे जाके उनका माइंड चेंज हो जाए और वापस से जो है वो सुपर हैवी वेट कैटेगरी में आ जाए। और उन्होंने साथ में एक और ये भी चीज़ बोली कि बाय द टाइम, और जैसे कि टाइम बीतेगा, डेवन लेरेट और ज़्यादा जो है स्ट्रांग होते जाएंगे और मे बी इन फ्यूचर वो वापस से जो है सुपर हैवी वेट कैटेगरी में आके उन्हें चैलेंज कर दे। सो ये थे कुछ ओपिनियन लेवान के इस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद जो है हम दूसरा टॉपिक जो है हमारा वो जो किंग ऑफ द टेबल 11 होने वाला है उसके ऊपर लेवान सगिनाश्विली के क्या प्रिडिक्शंस है, जैसे कि अर्मिस और डेनिस के मैच में उनका क्या प्रिडिक्शन है कि कौन जीत सकता है। सो एग्जैक्ट वर्डिंग उन्होंने क्या बताया था मैं ये बता देता हूं आपको। आई वुड लाइक डेनिस टू बी मोर एक्टिव इन द कन्वर्सेशन इन सोशल मीडिया। आई वॉज होपिंग दैट आफ्टर हिज लास्ट डिफीट डेनिस वुड प्रिपेयर दिस मैच वेरी सीरियसली। जैसे कि मैंने भी कहा था कैश डिफीट के बाद उनको और ज्यादा जो है मेहनत और सीरियसनेस दिखाना चाहिए था, जो कि हमें दिखा नहीं कहीं ना कहीं। सो लेवान भी यही चीज बोल रहे थे। लुकिंग विजुअली द वीडियोज दैट डेनिस टीम इज पुटिंग आउट, आई एम नॉट सीइंग एग्जैक्टली अ ग्रेट इम्प्रूवमेंट। मे बी ही कैन इम्प्रूव हिज शेप गोइंग फॉरवर्ड, बट टूडे अर्मिस इज द फेवरेट। आई होप इट विल बी गेट अ बेटर शो। सो फिलहाल के लिए तो उनके लिए जो है अर्मिस गैस्परिनी ही फेवरेट है और वो उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो है आर्टियम मोरोज़ोव और इवान मेतुशेंको का जो लेफ्ट हैंड का सुपर मैच है उसके लिए लेवान ने क्या बोला, द फेवरेट इज आर्टियम मोरोज़ोव बट इवान मेतुशेंको इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। आई थिंक इन द फर्स्ट राउंड इवान कैन ओपन मोरोज़ोव आर्म बट वी विल सी हाउ मच ही कैन। सो यहाँ पे जो है उनके लिए आर्टियम मोरोज़ोव इस समय फेवरेट चल रहे हैं। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सुपर मैच जो है सुपर हैवी वेट कैटेगरी का है रिवाज और जॉर्जी के बीच में। सो यहाँ पे उनका क्या कहना था, इट्स हार्ड टू से हु विन, इट विल गो लाइक रिवाज डिड विद डेव चेफी। इफ दे गो टू द स्ट्रैप्स एंड द मैच स्टॉप्स देन जॉर्जी हैज अ गुड चांस बिकॉज हिज एंड्योरेंस इज बेटर, बट आई थिंक ऑन द स्टार्ट एंड विद द स्पीड रिवाज हैज हायर चांसेस। आई डोंट थिंक जॉर्जी विल एबल टू स्लिप एंड आई थिंक रिवाज विल गेट हिम ऑन द स्टार्ट राइट अवे। सो यहाँ पे उनके हिसाब से रिवाज जो है फेवरेट चल रहे हैं। और जो लास्ट वाला उन्होंने जो प्रिडिक्शन दिया पॉल लिन और लैकलेगन अडायर के बीच में, वहाँ पे उनके हिसाब से जो है क्लियरली उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला, उनके हिसाब से पॉल लिन जो है इजिली विन कर जाएंगे। सो ये थे उनके कुछ प्रिडिक्शन जो कि किंग ऑफ द टेबल 11 में होने वाले हैं। सो हम देखते हैं कि उनके प्रिडिक्शन कितने सही जाते हैं या कितने गलत जाते हैं। सो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।